नदी में नाव पलट जाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला थाना रौन क्षेत्र का है। रौन क्षेत्र के कुछ लोग थाना नयागांव के तेहंगूर में भंडारा खाने गए हुए थे। लौटते समय नाव नदी में पलट गई। इस हादसे में एक लड़का और एक लड़की अभी भी गायब बताए जा रहे हैं, जबकि करीब 8 लोगों को बचा लिया गया। इस नाव में करीब 10 लोग सवार बताए जा रहे थे। जिन लोगों के लापता होने की सूचना है उनमें द्रौपदी पिता सुखड़ी बघेल उम्र 16 साल निवासी हिलगवा थाना रौन, दूसरा लड़का ओम पिता सुभाष बघेल 13 साल निवासी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के रूप में उसकी पहचान की गई है। थाना नयागांव और रौन पुलिस ने मौके पर पहुंच करके तलाश शुरू की है। वहीं होमगार्ड के साथ SDRF की टीम भी रवाना हुई है। यह पूरा घटनाक्रम चंबल क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भिंड का बताया जा रहा है। नाव पलटने का यह हादसा वीडियो में भी लाइव वीडियो के रूप में सामने आया है। यह वीडियो किनारे खड़े लोग बना रहे थे, जिनके द्वारा यह वीडियो अब वायरल किया गया है। साथ गई वहीं हो तो ले पकड़ ले।